निकाला और देवयानी ने जैसे ही महाराज याती का मुख देखा, आज मनी मन मुस्कराने लगी, हाथ पकड़ लिया, कहने लगी महाराज हमारे साथ में शादी कर लो। महाराज याती मना करने लगे, आप एक ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज उसी समय महाराज जाकर के अपने पिता से कहा, पिता ने क्या किया, गुरु शुक्राचार्य विश्वकर्मा महाराज के पास में पहुंचे, विश्वकर्मा महाराज से कहने लगे, आपकी बेटी ने मेरी बेटी के साथ में अन्याय किया, मैं एक पल भी आपके राज में नहीं रुक पाऊंगा। विश्वकर्मा महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गुरुदेव ऐसा न कीजिए, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, मैं अपनी बेटी का विवाह महाराज याती के साथ में करना चाहता हूँ, वहां पर आपकी बेटी दासी बनकर के जाएगी, मंजूर है? बोले बिल्कुल मंजूर है। आज देवयानी का विवाह महाराज याती के साथ में हुआ, महाराज याती के साथ में विवाह हुआ, शर्मिष्ठा दासी बन करके गई। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, देवयानी के द्वारा दो पुत्र हुए, यदु दुर्वसु। लेकिन जो दासी बन करके गई थी उसके तीन पुत्र हुए। महाराज याती ने शर्मिष्ठा को पत्नी का दर्जा दे दिया। जब ये बात देवयानी को पता चली, देवयानी दौड़ करके अपने पिता के पास में पहुंची, जाकर के कहा, पिताजी जो दासी बन करके गई थी उसने पत्नी का दर्जा हासिल कर लिया है, महाराज याती ने उसे अपनी पत्नी बना लिया है। गुरु शुक्राचार्य भागते हुए गए, महाराज याती को श्राप दे दिया, राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी समय तुम वृद्ध हो जाओ, इसी समय तुम वृद्ध हो जाओ। महाराज याती पर बुढ़ापा आ गया। महाराज याती कहने लगे, मैं वृद्ध हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो आपकी बेटी को होगी, क्योंकि आपकी बेटी जवान है। महाराज गुरु शुक्राचार्य को दया आ गई। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, आपके पांच बेटे हैं और पांचों बेटों से जो बेटा आपको अपनी उम्र दे दे उससे आ जाकर के आप अपनी उम्र की अदला बदली कर लो। पांच बेटे थे, चार ने तो मना कर दिया, सबसे छोटा था पुरु। पुरु ने क्या किया, अपनी उम्र अपने पिता को दे दी। महाराज याती ने अपनी वृद्धा अवस्था अपने बेटे को दे दी और जवानी की अवस्था ले ली, रहने लगे। मन की इंद्रियां तृप्त नहीं हुई तब तो ध्यान आया कि मैंने 100 वर्ष तो जी ली पर लेकिन मन शांत नहीं हुआ। उसी समय जाकर के जवानी वाली जो अवस्था थी अपने बेटे को दे दी। वृद्धा अवस्था लेकर के जैसे ही पहुंचे, भगवान का भजन किया, जंगल में राजपाट छोड़ करके चले गए। इधर महाराज शर्मिष्ठा का एक बेटा था जिसका नाम है पुरु, वो महाराज याती के सिंहासन पर बैठा था। तो जो देवयानी थी उसका एक बेटा था यदु, सबसे बड़ा बेटा था यदु, उसने उसको उस गद्दी से उतार करके फेंक दिया, कहा यहाँ तेरा अधिकार नहीं है, यहाँ मेरा अधिकार है। तो पुरु के नाना थे विश्वप्रभा। विश्वप्रभा को पता चला कि मेरे देवते को यदु ने गद्दी से उतार करके फेंक दिया है, आज उसको मारने के लिए सर्प का रूप धारण किया। विश्वप्रभा महाराज ने यदु को मारने के लिए आए हैं, यदु जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। नारद जी ने कहा, बेटा आगे मत जाना क्योंकि आगे तुम्हें नाग डस लेगा। यदु कहने लगा, छत्री लोगों का काम है पीछे हटने का नहीं, छत्री लोगों का काम है आगे बढ़ना, चाहे मौत दरवाजे पर क्यों ना खड़ी हो, छत्री जो होगा वो आगे बढ़ेगा। और जैसे ही महाराज यदु आगे बढ़ा तो विश्वप्रभा महाराज सर्प का वेश धारण किए हैं, और जैसे ही मार खाने के लिए यदु को दौड़े, यदु ने विश्वप्रभा महाराज को मार दिया। कहते हैं अहीर दोनों बुरे, अह से बुरो अहीर, अह कहते हैं सर्प को, अहीर दोनों बुरे सबसे बुरो अहीर।
सर्प यदि ठान ले तो अपनी जो वचन को पूर्ण करके मानता है, अहीर जो होता है तो वो भी अपने वचन को पूर्ण करके मानता है। अहीर दोनों बुरे जे आपस में लड़ जाए तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अहीर दोनों महाराज यदु ने विश्वपर्वा महाराज को मार दिया। यदु से ही यदुवंश आगे बढ़ा है। इसी यदु की कई पीढ़ियों के बाद में हमारे भगवान कन्हैया इसी यदुवंश में अवतार लेकर के आए हैं। इधर अवतार लेकर के आए हैं यदु के वंश में हमारे प्रभु भगवान कन्हैया। लेकिन उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब न थी कोई संतान। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा महाराज उग्रसेन से कहने लगी, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल में भ्रमण करके आऊं। पवन रेखा ने जब कहा, महाराज उग्रसेन बोले ठीक है चली जाओ, नहीं मानती हूँ। आज वो पवन रेखा संघ की सहेलियों को लेकर के जंगल में पहुंची है।